हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल ऑस्कर मूवी एक्सप्लेन ब्लैक एडम। कहानी शुरू होती है 2600 BC से, जहां हम एक राजा को शासन करते हुए देखते हैं। एक जमाना था जब ये शहर आजाद हुआ करता था, परंतु अब इस राजा ने इस नगर के सभी लोगों को अपना दास बना लिया है। ये राजा इस नगर के सभी लोगों से जमीन की खुदवाई करा रहा है। दरअसल वे एक ऐसी चीज की तलाश में था जो उसे जादुई शक्तियां दे सके और वे पूरी दुनिया पर राज कर सके। इस चीज का नाम है इटेनियम। इसकी मदद से वे एक ऐसा ताज बनाएगा जिससे वे अपने अंदर एक सुपर हीरो की शक्तियां हासिल कर सके। यहां हमेशा की तरह मजदूर खुदाई कर रहे होते हैं और इसी बीच एक मजदूर को वह इटेनियम पत्थर मिल जाता है। जल्द ही वे राजा अपना खुद का ताज बना लेता है जिसे पहनकर उसे ढेर सारी शैतानिया शक्तियां मिल जाती है। और इसी बीच हमें एक छोटा लड़का भी दिखाई देता है जो उस राजा के खिलाफ खड़ा हो जाता है। वह प्रजा के लोगों को समझाता है कि हमें इस अन्याय से बचना चाहिए, इसके आगे झुकना नहीं चाहिए। परंतु जब राजा को पता चलता है कि वह मेरे विरुद्ध खड़ा है तो उसे मार डालने का आदेश देता है। जैसे ही लड़के को मारा जा रहा था, लड़का अचानक गायब हो गया और एक ऐसे स्थान पर आ गया जहां कई देवता बैठे थे। ये 6 देवता मिस्र के देवता थे। इस लड़के से कहते हैं कि तुम में बहुत हिम्मत है और हमें ये बहुत अच्छा लगा, इसलिए हम आपको एक ऐसी शक्ति देने जा रहे हैं कि यदि आप शाजम शब्द बोलोगे तो हमारी सारी शक्तियां आपके अंदर आ जाएगी और तुम इतने शक्तिशाली हो जाओगे कि तुम उस राजा को आसानी से हरा सकोगे। ये छोटा लड़का भी ऐसा ही करता है। वह शाजम कहता है और बहुत शक्तिशाली हो जाता है। वह उस राजा के महल में आता है जहां वह बहुत सारी शक्तियां प्राप्त करने के लिए अपना दुष्ट मुकुट पहन रखा था। लेकिन ये छोटा लड़का जो शाजम कहकर बहुत शक्तिशाली हो गया, वह वहां आता है और कहर बरपाता है और सभी को मारने लगता है। वह गुस्से में दुष्ट राजा के साथ पूरे शहर को तबाह कर देता है। यहां से कहानी 5000 साल बाद आज के टाइम में आती है और हम आज का समय देखते हैं। इस समय हमें वही शहर दिखाया जाता है जहां एक गैंग ने इस शहर पर पूरी तरह कब्जा कर रखा है। वे लोगों के साथ अन्याय कर रहे हैं, लूटपाट कर रहे हैं और इस शहर को पूरी तरह अपने कब्जे में कर रहे हैं। दरअसल इस गिरोह का मकसद सिर्फ उस ताज की तलाश करना है जो राजा ने 5000 साल पहले बनवाया था। वे राजा मर गया था लेकिन उसका ताज अभी भी इस शहर में कहीं दबा हुआ है। अब हम एड्रियाना नाम की एक लड़की को देखते हैं जिसे भी इस ताज की तलाश है। ये लड़की पुरानी चीजों को खोजने में काफी माहिर है क्योंकि ये एक आर्कियोलॉजिस्ट है। ये वो लोग हैं जो धरती को खोदते हैं और इतिहास की कई चीजों की जानकारी भी रखते हैं। बाद में ये लड़की एक गुफा में जाती है जहां काफी कोशिश के बाद उसे वो ताज मिल जाता है और उसके दोस्त इस बात से खुश हैं। उसके एक दोस्त का नाम इस्माइल है। वह उसी गिरोह से जुड़ा हुआ है जिसने पूरे शहर पर कब्जा कर रखा है। फिर इस्माइल अपने साथ आने वाले एक दोस्त को मार देता है और अपने गिरोह के अन्य सदस्यों को उसी गुफा में बुला लेता है और एड्रियाना से ताज देने के लिए कहते हैं। अब ये लड़की नीचे देखती है और उस पर कुछ शब्द लिखे होते हैं। जब वह इसे पढ़ती है तो उसके मुंह से शाजम निकलता है और जैसे ही वह इन शब्द को कहती है, ब्लैक एडम एक्शन का धमाका वहां आता है और वहां आने वाले सभी गुंडों का अंत करना शुरू कर देता है। वह उन्हें इतना पीटता है कि कोई नहीं बचता। इस्माइल जो गुंडों के साथ शामिल था वह वहीं मरने का नाटक करता है, इसलिए यहां उसकी जान बच गई क्योंकि एड्रियाना ने ब्लैक एडम को पुनः जीवित किया है। उसने उसे फिर से जगाया है इसलिए वह उसे कुछ नहीं कहता। अब ब्लैक एडम वहां था और कुछ और गिरोह के लोग आ गए और उस पर एक विशेष हथियार से हमला करते हैं। ये हथियार उसी इटेनियम मटेरियल से बना है जिसकी मदद से ताज भी बनाया गया था। जैसे ही ब्लैक एडम इस मिसाइल से टकराता है, वह वास्तव में दर्द महसूस करता है। उस रॉकेट मिसाइल के कारण वह घायल हो जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि इटेनियम एक ऐसी चीज है जो ब्लैक एडम की कमजोरी है और इस इटेनियम से ब्लैक एडम को भी मारा जा सकता है। ये देखकर एड्रियाना चिंतित हो जाती है और ब्लैक एडम को अपने घर ले जाती है। जैसे ही ब्लैक एडम को होश आता है, वह यहाँ एड्रियाना के बेटे से मिलता है। ये बच्चा ब्लैक एडम से कहता है कि तुम 5000 साल से उस गुफा में बंद हो, अब हमारे शहर को गुलाम बनाया जा रहा है। वह गिरोह हमें जीने नहीं दे रहा, इसलिए आप हमारे शहर के लिए एक रक्षक बनकर आए हैं। आप हमारे शहर को उस गिरोह से बचाओ। ब्लैक एडम को यहाँ किसी बात की परवाह नहीं थी। वो कहता है कि 5000 साल पहले ये मेरा शहर था, अब यहाँ सब कुछ बदल गया है, इसलिए इस शहर को बचाने की जिम्मेदारी मेरी नहीं है। मुझे इस शहर और यहाँ के लोगों से कोई लेना देना नहीं है। ये कहकर वह घर से बाहर निकल आता है और शहर में घूमने लगता है और इस शहर को देखने लगता है। इसके बाद हम एक ऐसी लेडी को देखते हैं जिसका काम इस दुनिया में आने वाले सुपर हीरो
और सुपर विलेन को रोकना है। वह यहाँ एक सुपर हीरो हॉकमैन से बात कर रही है। उनका कहना है कि ब्लैक एडम अब वापस आ गया है, अगर उसे रोका नहीं गया तो वह पहले की तरह काफी तबाही मचा सकता है। अगर वह पागल हो जाए और क्रोधित हो जाए तो उसे रोकना लगभग असंभव हो जाएगा। हॉकमैन इस बात से सहमत होता है और अपनी टीम को इकट्ठा करता है, जिसमें कई और सुपर हीरो शामिल होते हैं। वे सभी ब्लैक एडम को पकड़ने के लिए एक साथ निकलते हैं। दूसरी ओर गिरोह के कुछ सदस्य एड्रियाना के घर जाते हैं, क्योंकि वे जानते हैं एड्रियाना के पास में अभी भी ताज है। वो एड्रियाना के परिवार पर हमला करते हैं, मगर ब्लैक एडम वहाँ आ जाता है। ब्लैक एडम उन्हें बचाता है और गिरोह के सदस्यों को फिर से मारता है। वह अभी भी कुछ गिरोह के लोगों से लड़ रहा था। उसी समय हॉकमैन की टीम आती है और वे सभी ब्लैक एडम से लड़ने लगते हैं, लेकिन ब्लैक एडम अभी भी उन पर हावी था। गिरोह के सदस्य और जस्टिस सोसाइटी की टीम इस बारे में कुछ नहीं कर पा रही थी, और अंत में ब्लैक एडम निकल जाता है। जस्टिस सोसाइटी की टीम, जो हॉकमैन से बनी है, एड्रियाना के पास आती है और उसे पकड़ने में मदद मांगती है, लेकिन एड्रियाना कहती है, जब हम पर अत्याचार हो रहा था तब तुम कहाँ थे? मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा, केवल ब्लैक एडम है जिसने हमें बचाया है। जस्टिस सोसाइटी की टीम कहते हैं कि जिसे आप अपनी सुरक्षा समझ रहे हैं वे बहुत खतरनाक है। 5000 साल पहले भी उसने हमारे शहर को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। अंत में वे एड्रियाना को मना लेते हैं और इसलिए एड्रियाना उन सभी को ब्लैक एडम के पास ले जाती है, ताकि हर कोई बैठकर एक दूसरे से बात कर सके, ताकि वे एक दूसरे को समझ सकें और अपनी लड़ाई खुद खत्म कर सकें। फिर दूसरी ओर इस्माइल एड्रियाना के घर में आता है, ताकि वे ताज को खोज सके और उसका अपने लिए इस्तेमाल कर सके। जब उसे ताज नहीं मिलता तो वे गुस्से में एड्रियाना के बेटे को अपने साथ ले जाता है। इधर बहुत चालाकी से उसका बेटा अपनी माँ एड्रियाना को बुलाता है और उसे सब कुछ बताता है, मेरा इस्माइल ने किडनैप कर लिया है। ये सुनकर एड्रियाना घबरा जाती है और जस्टिस सोसाइटी और ब्लैक एडम से मदद मांगती है, मेरे बेटे को वापस लाने में मेरी मदद करें। और वे एक साथ एड्रियाना के बेटे की तलाश शुरू करते हैं। ब्लैक एडम गैंग के लोगों को पकड़कर मारता है। इधर हॉकमैन उस गैंग के दो लोगों को पकड़ लेता है। उन्हें मारने के बाद उसे पता चलता है कि इस्माइल कहाँ है। इस्माइल ने एड्रियाना के बेटे को एक गुप्त स्थान पर रखा है जो एक रेगिस्तान में है, और जब ब्लैक एडम और जस्टिस सोसाइटी उस स्थान पर पहुँचते हैं तो वे देखते हैं इस्माइल ने एड्रियाना के बेटे पर बंदूक तान दी है। यहाँ इस्माइल एक राज बताता है, मैं उस गिरोह का सरगना हूँ जो पूरे शहर में तबाही मचा रहा हूँ, और ये सारे गुंडे मेरे लिए काम करते हैं। इसलिए वे एड्रियाना से कहता है कि अगर वे अपने बेटे की जान बचाना चाहती है तो वे उसे ताज दे। एड्रियाना ताज देती है ताकि उसके बेटे की जान बचाई जा सके, लेकिन इसके बावजूद वे बच्चे पर गोली मार देता है। जैसे ही ब्लैक एडम ये देखता है, वे तेज स्पीड से उड़ता है और उसके सामने आ जाता है और बच्चे की जान बचाता है, और इस्माइल को ब्लैक एडम अपनी पावर से जलाकर पूरी तरह मार देता है। यहाँ से ब्लैक एडम भी हॉकमैन से मिलता है और उसे एक बहुत बड़ा राज बताता है। 5000 साल पहले उस दुष्ट राजा के खिलाफ आवाज उठाने वाला लड़का मैं नहीं बल्कि मेरा बेटा था, और राजा जब मेरे बेटे को मार रहा था उस समय वे वहाँ से गायब हो गया था। ये देखकर राजा को बड़ा क्रोध आया, क्योंकि वे मेरे बेटे को ढूंढ नहीं पा रहा था, इसलिए उसने मुझे और मेरे परिवार को पकड़ लिया और हमें बेरहमी से पीटा। हमें इतनी बुरी तरह पीटा गया कि कोई जानवर के साथ भी ऐसा नहीं करता। मेरी पत्नी और मैं मरने वाला था। फिर मेरा बेटा मेरे पास वापस आया, जिसके पास बहुत सारी शक्तियाँ थी, और उसने अपनी सारी शक्तियाँ मुझे दे दी। अब सारी शक्तियाँ मुझ में आ चुकी थी। राजा के लोगों ने फिर से हम पर आक्रमण कर दिया। मैं वहाँ बच गया क्योंकि मेरे पास बहुत शक्तियाँ थी, लेकिन मेरे बेटे को मेरी आंखों के सामने ही मार दिया गया। अपने बेटे को मरता देखकर मैं गुस्सा हो गया और मैंने राजा को और उसकी प्रजा को मार डाला, पर वे शक्तियाँ मेरे वश में नहीं थी, मैं उन्हें वश में नहीं कर सका। जल्द ही मेरा पूरा शहर नष्ट हो गया क्योंकि मैंने ऐसा किया है। उन देवताओं को गुस्सा आ गया क्योंकि मैंने अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल किया और अपनी शक्ति को अपने वश में नहीं रखा, इसलिए उन्होंने मुझे उस गुफा में बंद कर दिया और मैं उस गुफा में हजारों सालों तक रहा। जब एड्रियाना ने आकर नाम लिया तो मैं एक बार फिर से जिंदा हो गया। ब्लैक एडम को बहुत अफसोस हो रहा था, उसके कारण बहुत विनाश हो गया था और हो रहा था, बहुत सारे लोग मारे गए थे। वह हॉकमैन से कहता है वह आत्मसमर्पण करना चाहता है और मेरी शक्तियों को समाप्त करना चाहता है, ताकि मेरी वजह से किसी को नुकसान ना हो। उसके बाद ब्लैक एडम शाजम कहता है, जिससे वह अपने सामान्य रूप में लौट आता है। इसका मतलब है कि वह एक सामान्य इंसान बन जाता है जिसके पास इस समय महाशक्तियां नहीं होती है। जब वह दोबारा शाजम नहीं कहता तब तक वह ब्लैक
एडम नहीं बन सकता, इसलिए वे उनसे कहता है कि मेरे साथ कुछ ऐसा करो कि मैं दोबारा ये शब्द न सुनूं। अंत में ब्लैक एडम को पानी में डाल दिया जाता है और उसके मुंह में एक मशीन डाल दी जाती है ताकि वे बोल न सके। ये एक छोटी सी जेल है जहां ब्लैक एडम बंद है। दूसरी ओर हमें इस्माइल दिखा गया जो मर चुका था और अब वह नरक में आ गया है। इस्माइल शुरू से ही जानता था कि अगर वह उस ताज की शक्तियों को पाना चाहता है तो उसे अपने हाथों से धारण करना होगा और उसी समय उसे कोई मार डाले कि वह मरकर नरक में जाए और वह यहाँ नरक के राक्षसों से मिल सकता है जिससे वह शक्ति प्राप्त कर सकता है। इस्माइल ये बातें शुरू से ही जानता था, इसलिए उसने ब्लैक एडम को उकसाया, जैसे ही मैं एड्रियाना के बेटे को मारूंगा ब्लैक एडम आएगा और मुझे मारते हुए उसे बचाएगा। वह शुरू से ही इन सब बातों को जानता था और सब कुछ उसकी योजना के अनुसार हो रहा था। यहाँ नरक के राक्षस इस्माइल से मिलते हैं और उसे अपनी शक्तियाँ देते हैं। वो पहले जैसा नहीं रहा। वह इन शक्तियों के साथ में फिर वापस आता है और सब कुछ विनाश करने लगता है। जैसा कि जस्टिस सोसाइटी की इस बारे में पता चलता है, वे उससे मुकाबला करने के लिए उसके सामने आ जाते हैं। बहुत लड़ाई चल रही है लेकिन सबक बहुत शक्तिशाली है। जब वे एक साथ थे तब भी उसे रोक नहीं सके। जस्टिस सोसाइटी की एक और टीम के सदस्य का नाम डॉक्टर भाग्य अपने कई रूपों में आता है। विभिन्न शक्तियों का उपयोग करते हुए वह समबैक को मारने की कोशिश करता है लेकिन फिर भी सफल नहीं होता। जल्दी वे समझ जाते हैं कि ब्लैक एडम के अलावा समबैक को कोई नहीं हरा सकता, इसलिए वह यहाँ टेलीपैथी के जरिए ब्लैक एडम से बात करना शुरू करता है। वह उससे कहता है कि हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है और यहाँ से ब्लैक एडम की मदद करते हैं ताकि वे खुद को मुक्त कर सके। वे वहाँ से निकल जाता है और कुछ सैनिकों को वहीं खत्म कर देता है। वे पानी से बाहर आता है और बाहर आते ही वे शाजम कहता है, उससे उसे ब्लैक एडम की शक्ति मिलती है। उधर जस्टिस सोसाइटी के लोग अब भी समबैक से लड़ रहे हैं और इस दौरान उनके एक साथी डॉक्टर भाग्य वहीं लड़ाई के अंदर मारा जाता है। हॉकमैन भी समबैक से लड़ रहा है लेकिन उनकी कोशिशें ज्यादा कामयाब नहीं हो पा रही है, लेकिन सौभाग्य से ब्लैक एडम उसी समय वहां आ जाता है। अब ब्लैक एडम और समबैक के बीच खूब लड़ाई हो रही है। ये एक भारी लड़ाई थी लेकिन समय के साथ ऐसा लगने लगा कि केवल ब्लैक एडम ही समबैक को हरा सकता है। थोड़ी देर के बाद ब्लैक एडम समबैक के सिर को पकड़ लेता है और इसे दो भागों में काट देता है और इसे पूरी तरह फाड़ने के बाद वे अंत में सबक को समाप्त कर देता है। इस वजह से समबैक मर जाता है और सब कुछ शांत हो जाता है। शहर के लोग ब्लैक एडम को अपना फरिश्ता मानने लगते हैं। वे सभी स्वीकार करते हैं कि ब्लैक एडम ने उन्हें और उनके शहर को बचा लिया है। इसके बाद हम उसी लेडी को देखते हैं जिसने ब्लैक एडम को रोकने के लिए जस्टिस सोसाइटी की टीम बनाई थी। वे यहाँ ब्लैक एडम से कहती है कि ठीक है जो चाहो करो लेकिन इस शहर को मत छोड़ो। इस शहर के लोगों के रक्षक बनो, उनकी देखभाल करो। यदि तुम इस शहर से बाहर निकले तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। यहाँ ब्लैक एडम बैठकर उसे देखता है और कहता है कि मुझे कोई आदेश नहीं दे सकता और जब भी मैं कुछ करना चाहूंगा अपने दम पर करूंगा। तब वे लेडी कहती है, हाँ शायद आप ठीक कह रहे हैं, आपको इस दुनिया में रहने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन मैं किसी ऐसे शख्स को जानती हूँ जो हमारी दुनिया से नहीं है। ब्लैक एडम को गुस्सा आ जाता है और उस स्क्रीन को तोड़ देता है जिस पर लेडी बात कर रही थी। स्क्रीन टूट जाती है और हर तरफ धुआं होता है। इस बीच धुएं से सुपरमैन निकलता है। वह ब्लैक एडम से कहता है कि हमें हमेशा बात करने के लिए बैठना चाहिए। सुपरमैन के इतना कहते ही इस फिल्म की कहानी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों अगर आपको मूवी एक्सप्लेन अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप अपना ख्याल रखें। मिलते हैं नई कहानी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।